हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप भी ड्रीम इलेवन खेलना चाहते हैं और आप बिल्कुल ड्रीम इलेवन में नए हो और आप जानना चाहते हैं कि कैप्टन और वीसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं ड्रीम इलेवन को ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरफेस आता है। उसके बाद जैसे कि कोई भी आप टीम लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ आज मैच स्टार्ट होने वाला है CSK वर्सेस MI, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कट कर देना, उसके बाद क्रिएट टीम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 4 के बीच में एक विकेट कीपर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 100 क्रेडिट मिलता है। 100 क्रेडिट ही सिर्फ आपको यूज करना है, 100 क्रेडिट से कम ही यूज करना है या 100 क्रेडिट यूज करना है। तो आपको सिंपली प्लेयर को सिलेक्ट करके आपको 100 क्रेडिट को पूरा कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आपको कैप्टन और VC का मतलब क्या होता है और आपको कैप्टन और VC को कैसे चुनना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं टीम को बना लेता हूँ, सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे टीम को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टीम को बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 100 क्रेडिट जो था, यहाँ पे 100 क्रेडिट मैंने यूज कर लिया है प्लेयर को चुन के। जैसे कि यहाँ के यहाँ पे क्रेडिट दिया रहता है, जैसे 9 क्रेडिट 9 क्रेडिट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 क्रेडिट 9.5, इसी तरह से क्रेडिट रहता है। इसी तरह से आपको 100 क्रेडिट को पूरा कर लेना है, या 100 क्रेडिट से कम भी रहेगा तो चलेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप यहां से ध्यान देना है कि कैप्टन और VC, यहां पे आप देख सकते हैं लिखा रहा है कैप्टन बाई और वाइस कैप्टन बाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहा है, अगर जिसको आप कैप्टन चुनते हैं, जैसे कि इतना सारे 11 प्लेयर को आप सिलेक्ट किए, 11 प्लेयर में आपको जो भी लगता है कि ये प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट या रन मारेगा, तो आप उसको कैप्टन चुन सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है, तभी तो आप रैंक करोगे। उसके बाद आपको सिंपली यहां से कैप्टन और VC को यहाँ पे चुनने के लिए आपको सिर्फ सर्च करना होगा कि आप कैप्टन और VC किस प्लेयर को चुनेंगे, ताकि आपका कैप्टन और VC चल जाए और आप रैंकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 प्लेयर में आपको जो भी लगता है कि ये प्लेयर चलेगा, कि ये 100 पॉइंट दिया, ये 80 पॉइंट दिया, और ये करन पोलार्ड है जो 50 पॉइंट दिया, तो सबसे ज्यादा डीकॉक दिया, तो इसको अगर आप कैप्टन चुनेगे, तो अगर ये 100 पॉइंट दिया तो ये आप कैप्टन चुनेगे तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 200 पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि डीकॉक दिया 100 पॉइंट और कोई प्लेयर दिया 10 पॉइंट या 15 पॉइंट 20 पॉइंट, आप उसको कैप्टन चुनेगे तो हो जाएगा 20 पॉइंट। तो इससे अच्छा तो इसी का नहीं, तो इससे अच्छा डीकॉक के चुने। मतलब ये है कि आप 11 प्लेयर में आपको जो भी लगता है कि ये प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं, तो आप उसको कैप्टन चुन सकते हो। उसके बाद यहाँ पे VC का मतलब है 1.5 गुना पॉइंट, यानी कि आपको 100 पॉइंट कोई प्लेयर देता है तो आप उसको VC सेलेक्ट करते हो तो आपका 150 पॉइंट हो जाएगा। तो जैसे कि ये फाउडू प्लेसी है, ये अगर 50 पॉइंट्स देते हैं, अगर इसको आप VC सेलेक्ट करते हो तो आपको 75 पॉइंट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कैप्टन और VC को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव टीम पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।